नून साकिन एंड नून तनवीन के कवायद। नून साकिन और नून तनवीन के जो हैं चार कवायद हैं, इजहार, इदगाम, इकलाब, इख्वा। इजहार मेकिंग क्लियर, इदगाम मर्जिंग, इकलाब चेंजिंग, इख्वा हेडिंग। इजहार नून साकिन और नून तनवीन को बगैर गुना करके पढ़ना, जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद छह हरूफ हैं, हरूफ हल्की में से कोई हर्फ भी आ जाए तो वहाँ इजहार होगा, यानी नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। हरूफ हल्की छह हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, ख्वाइन, खो। और इनकी मिसालें भी हैं, मिन हम, मिन आखी, अन हमता। इसी तरह हलीमन, हकीमन, मुहम्मदन, हब्दुहु। इदगाम दो हरफों को मिलाकर एक कर देना, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून या रा मीम लाम व नून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। ये इदगाम लाम और रा में बग़ैर गुना के होगा और या नून मीम वाव में गुना के साथ होगा, जैसे मैं यकूलु मिन नबीन, मिम वालिन। आगे आ जाता है इकलाब। इकलाब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कल्ब, इकलाब का मतलब है कल्ब, कल्ब का मतलब है दिल। इसका इस्तेलाही माना, नून साकिन और नून तनवीन के बाद जब भी हरफ़ बा आ जाए, नून की आवाज़ को मीम में बदल कर पढ़ेंगे, जैसे मीम बादी अलीमन बिज़ातिन सदूर। इकलाब की मुकदार एक अलीफ दो काउंट्स। आगे इख्फा, इख्फा का मतलब है नून साकिन या नून तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना, 15 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर उस नून साकिन और नून तनवीन को इसके मखरज से अलहदा करके इसकी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। हरूफ इख्फा ये हैं, हरूफ हल्की, हरूफ इदगाम और इकलाब के हर्फ को निकाल कर बाकी 15 हरूफ बचते हैं। ता, सा, जीम, ज़ाल, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सोद, ज़ोद, ये हरूफे इख्वा हैं।